मम्मी जी बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आपके पैर धो के पी लूं? मम्मी जी मैं पूजा अर्चना करके आती हूँ, ठीक है? मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मेरा बस चले तो आपको कल ही दादी बना दो। मम्मी जी मैं बहुत बोर हो रही हूँ, थोड़े इशारे कर लो, आपके इशारों पर नाचने का मजा ही कुछ और है। मम्मी जी थोड़े तेज इशारे करोगे मेरा जुम्बा भी हो जाएगा। हाँ जी ये ठीक है, ये बहुत सही है मम्मी। सब्जी वाले पे जाना है, 2 मिनट मम्मी, खाली कान और खाली गला लेके थोड़ी जाऊंगी सब्जी वाले भैया के पास। लो मम्मी मैं तैयार हूँ। मम्मी जी कितनी सर्दी हो गई है, आप प्लीज आग में घी डाल दो। हाँ जी ये ठीक है, ये बहुत सही है मम्मी। मम्मी जी मैंने मशीन लगाई हुई है कपड़े धोने के लिए, पड़ोसियों से भी पूछ लूं उनके कोई गंदे कपड़े हैं तो धो दूंगी। मम्मी मेरा तो बचपन से ये सपना था कि मैं आपके घर की बहुरानी बनूं और पिंकी आंटी को हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी दे दूं, क्योंकि झाड़ू मारना और पोछा मारना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य था। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी हम औरतों का दर्द क्या समझोगे, हमारी सबसे बड़ी टेंशन तो यो है कि हम दोनों टाइम सब्जी के बनावा। घर वाला तो पूछा कि के बनानी है तो कहेंगे कुछ भी बना लो, और कुछ भी बना दिया तो फिर कहेंगे घास लेटी मिली थी बनाने खातर। आपसे पूछना था कि आप भांडे किस टाइम धोती हैं। भाभी मेरे कपड़ों में प्रेस नहीं की। मामा मेरा स्कूल बैग दे दो, ट्यूशन जाना है। अरे सुनो कोई मेरे पास आ रहा है, अरे भाई साहब ये कर दिया, अरे भाई साहब वो मत करो, अरे भाई साहब ये मत करो, फलाना करो ढिमका करो, ये करो वो करो, ये ना वहाँ मत जाओ।